तो दोस्तों फिरोजपुर विधानसभा के अंदर जितने भी गांव हैं उन गांवों से किस नेताओं को कितनी वोट मिली है ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तिगांव जो कि बीजेपी के एमएलए हैं नसीम अहमद, उसका गांव है। यहां से कितनी वोट उसको मिली है, कितनी वोट ममन खान को मिली है और कितनी हबीब अहमद को मिली है। चलिए दोस्तों नसीम अहमद की बात करते हैं। इसको मिली है 1368 वोट नसीम अहमद को मिली है, 503 वोट ममन खान को मिली है और 12 वोट हबीब अहमद को मिली है। और इससे अगला गांव आता है महू। महू गांव से 1330 वोट मिले नसीम अहमद को, 1021 वोट मिले ममन खान को और 29 वोट मिली हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है नहारी का। यहां से 291 वोट मिले नसीम अहमद को, 561 वोट मिले ममन खान को और 14 वोट मिले हबीब को। और इससे अगला गांव आता है चितौड़ा। यहां से 226 वोट मिले नसीम अहमद को, 739 वोट मिले ममन खान को और 80 वोट मिली हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है पाडला। पाडला गांव से 80 वोट मिले नसीम अहमद को और 1224 वोट मिले ममन खान को, 29 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है राजौली। राजौली गांव से 12 वोट मिले नसीम अहमद को, 447 वोट मिले ममन खान को और 194 वोट मिले हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद से 45 वोट मिले नसीम अहमद को, 625 वोट मिले ममन खान को और 49 वोट मिले हबीब को। और इससे अगला गांव आता है रणियाली। यहां से 9 वोट मिले नसीम अहमद को और 443 वोट मिले ममन खान को और 47 वोट मिले हबीब को। और इससे अगला गांव आता है हमजापुर। यहां से 263 वोट मिले नसीम अहमद को, 539 वोट मिले ममन खान को और 17 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है राजपुर। यहां से 130 वोट मिले नसीम अहमद को, 749 वोट मिले ममन खान को और 21 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है घावला। यहां से 105 वोट मिले नसीम अहमद को, 325 वोट मिले ममन खान को और हबीब को 37 वोट मिली है। और इससे अगला गांव आता है नसीरबास। नसीरबास गांव से 28 वोट मिले नसीम अहमद को, 867 वोट मिली है ममन खान को और 33 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है भोंड। यहां से 104 वोट मिले नसीम अहमद को, 1000 वोट मिली है ममन खान को और 168 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है कांग्रेस को मिली और कितनी वोट हबीब को मिली या फिर अन्य कैंडिडेट को मिली। चलिए बात करते हैं। 7719 वोट मिले नसीम अहमद को और 4621 वोट मिली है ममन खान को और 630 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है कामेड़ा। यहां से 53 वोट मिले नसीम अहमद को, 1035 वोट मिले ममन खान को और 91 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है मैदापत। यहां से 121 वोट मिले नसीम अहमद को, 1035 वोट मिले ममन खान को और 91 वोट मिली हबीब को। और इससे अगला गांव आता है रणियाला फिरोजपुर। इससे 166 वोट मिले नसीम अहमद को, 1047 वोट मिले ममन खान को और 208 वोट मिली है रवा। यहां से 158 वोट मिले नसीम अहमद को, 1008 वोट मिले ममन खान को और 172 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है बसीमेव। यहां से 317 वोट मिले नसीम अहमद को, 1880 वोट मिले ममन खान को और 208 वोट मिले हबीब को। और इससे अगला गांव आता है भीवा। यहां से 614 वोट मिले नसीम अहमद को, 4155 वोट मिले ममन खान को और 168 वोट मिले हबीब को। और इससे अगला गांव आता है घाटा। यहां से 31 वोट मिले नसीम अहमद को, 1453 वोट मिले ममन खान को और 93 वोट मिले हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है हिरवाड़ी। यहां से 51 वोट मिले नसीम अहमद को, 1453 वोट मिले ममन खान को और 93 वोट मिले हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है बावनथड़ी। यहां से 12 वोट नसीम अहमद को, 979 वोट ममन खान को और 31 वोट मिले हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है अलीपुर तिगरा। यहां से 89 वोट नसीम अहमद को, 767 वोट ममन खान को और 31 वोट हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है अखना का। यहां से 392 वोट नसीम अहमद को, 796 वोट ममन खान को और 13 वोट हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है माहौली। यहां से 120 वोट नसीम अहमद को, 927 वोट ममन खान को और 300 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है सिद्धरावट। यहां से 11 वोट मिली है नसीम अहमद को, 680 वोट मिले ममन खान को और 99 वोट मिले हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है हसनपुर बिलौंदा। यहां से 118 वोट मिले नसीम अहमद को, 368 वोट ममन खान को और 54 वोट हबीब को। और इससे अगला गांव आता है डाडोली खुर्द। यहां से 69 वोट नसीम अहमद को, 541 वोट ममन खान को और 162 वोट मिली है हबीब अहमद को। दोस्तों अगर आप लोगों का गाँव अभी तक छूट रहा है तो हो सकता है आपके गाँव की वोट किसी दूसरे गाँव में डलती हो, क्योंकि तभी गांव छूट सकता है। हमने अपनी तरफ से एक भी गांव इस वीडियो में छोड़ा नहीं है। अगर हो सकता है आप गांव छूट भी जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपका उसको जवाब जरूर देंगे। तो अगला गांव आता है पाटखोरे। यहां से 838 वोट मिली नसीम अहमद को, 1929 वोट मिली ममन खान को और 85 वोट मिली हबीब अहमद को। इससे अगला गाँव आता है रावली। यहाँ से 558 वोट मिली नसीम अहमद को, 1286 वोट ममन खान को और 34 वोट हबीब अहमद को। और इससे अगला गाँव आता है अगोण। यहां से 696 वोट नसीम अहमद को, 2004 वोट ममन खान को और 92 वोट हबीब अहमद को।
और इससे अगला गांव आता है रीगढ़, 114 वोट नसीम अहमद को, 1546 वोट ममन खान को और 95 वोट मिली है हबीब अहमद को। और अब इससे अगला गांव आता है पथराड़ी, यहां से 279 वोट मिले नसीम अहमद को, 745 वोट मिले ममन खान को और हबीब अहमद को कुल 33 वोट मिले। इससे अगला गांव आता है शाहपुर, यहां से 40 वोट मिले नसीम अहमद को, 291 वोट मिले ममन खान को और 9 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इस अगला गांव आता है खेड़ला, यहां से 143 वोट नसीम अहमद को, 430 वोट ममन खान को और हबीब अहमद को कुल 11 वोट मिली है। और इससे अगला गांव आता है बागड़ोजी, यहां से 452 वोट नसीम अहमद को, 1085 वोट ममन खान को और 113 वोट हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है साय मीरबास, यहां से 222 वोट नसीम अहमद को, 668 वोट ममन खान को और 14 वोट मिली हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है कोड़गांव, यहां से 209 वोट मिले नसीम अहमद को, 1004 वोट मिले ममन खान को और 90 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है दोवा गांव से 1584 वोट मिले नसीम अहमद को और ममन खान को 1723 वोट मिली है और 44 वोट मिली है हबीब को। और इससे अगला गांव आता है सखरपुरी, यहां से 261 वोट मिले नसीम अहमद को, 168 वोट मिले ममन खान को और 29 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है मुंडगा, यहाँ से 387 वोट मिले नसीम अहमद को, 169 वोट मिले ममन खान को और 5 वोट मिली है हबीब अहमद को। और इससे अगला गांव आता है पाटन उदयपुरी, यहाँ से 125 वोट मिले नसीम अहमद को, 295 वोट मिले ममन खान को और 152 वोट मिले हबीब अहमद को। दोस्तों अब ये जितने भी सारे गांव थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि टोटल इन नेताओं को कितनी वोट मिली है। सबसे पहले बात करते हैं हबीब अहमद, इसको टोटल कितनी वोट मिली, इसको मिली है 15625 वोट, इसको टोटल वोट मिली है जो 15625 वोट मिली है। और अब बात करते हैं नसीम अहमद की, इसको टोटल कितनी वोट मिली है, इसको मिली है 31958 वोट। और अब बात करते हैं ममन खान की, ममन खान को 130286 वोट मिली है टोटल। और जो अन्य कैंडिडेट है अब उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुमताज अहमद की, इसको कितनी वोट मिली है, इसको मिली है 1139 वोट, टोटल जो वोट मिली है वो मिली है 1139 वोट। और इसके बाद आता है मोहम्मद हासिम, इसको मिली है 183 वोट टोटल। और इसके बाद नरेंद्र कुमार, इसको मिली है 256 वोट। इसके बाद आता है वसीम जाफर, इसको मिली है 233 वोट। और अब बात करते हैं आखिरी जो कि है जान मोहम्मद, इसको मिली है टोटल 719 वोट। दोस्तों अब फिरोजपुर विधानसभा के जितने भी गाँव हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को गांव अभी तक भी छूट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, हम उसको मैन्युअली आप लोगों को कमेंट करके बता देंगे कि आपको गांव से कितनी वोट किसने तक हुई है। और अगली जो वीडियो बनाने वाले हैं हम वो सोना विधानसभा के ऊपर बनाने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जावेद खान को किन गाँव से कितनी कितनी वोट मिली है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।